हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, आज आप लोग को एक मेल आया होगा, उस मेल में लिखा होगा कि क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाला है और आपको जो भी हॉस्टल ट्रांसपोर्ट जो भी लेना है वो सब ले लीजिए, उसका फी जमा करना है, ये सब आप लोग को एक मेल आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि हमारा कब से क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से हो रहा है, और जो लोग लोन पे पढ़ रहे हैं उनका फी कैसे जमा करना है, उनका फी कब तक जमा होगा और कैसे जमा होगा। तो आज की इस ब्लॉग में सब कुछ क्लियर करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि लोग वीडियो को स्किप कर करके देख लेते हैं। मेरे को एवरेज व्यू ड्यूरेशन में दिखता है 2 मिनट, 2.5 मिनट ही दिखाता है 10 मिनट का ब्लॉग, कि लोग 2-2.5 मिनट ही देख रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, ये ब्लॉग काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। हाँ, तो गाइज, आप लोग को यहाँ पे मेल दिख रहा होगा, जो मेल आया था कि आपको ट्रांसपोर्ट फी जमा करना है, हॉस्टल फी जमा करना है। आपको मतलब ये कोई जरूरी नहीं कि अभी ही करना है, अगर आप कॉलेज का ले रहे हैं तो उसके लिए आपको तो बता ही गया होगा कि कॉलेज के लिए कितना बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा, कब बुक करना है, क्या करना है। तो वो आप लोग को डिटेल पता होगा, वहीं इन्होंने लिखा है। और हमारा जो क्लासेस स्टार्ट होने वाला है वो 19 सितंबर से होने वाला है, मतलब आज है 8 अगस्त, आज ही सबको मेल और मैसेज आया है। तो अभी 1 महीना टाइम है हमारा क्लासेस स्टार्ट होने में। तो बात यह है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो गाइज देखो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब होता है जब हमारा जिस वीक से क्लास स्टार्ट होने वाला रहता है, ऐसे हमारा क्लासेस मंडे को ही स्टार्ट होता है, कोई भी वीक में हो, कितने भी तारीख को हो, लेकिन उस दिन मंडे होता है। तो मंडे से पहले वाला जो वीक होता है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो 19 को जो है हमारा क्लासेस स्टार्ट हो रहा है और 19 को मंडे है, तो उस 19 से पहले वाला वीक में सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और चलिए अब बताते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगता है। मैं जो एक 25 दिन के बाद वाला जो डॉक्यूमेंट लाने गया था उस पर क्लियरली लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, आपका क्या लगेगा और आपके फादर का क्या लगेगा, फादर का भी लगता है। तो इसमें लिखा है कि ओरिजिनल ऑल डॉक्यूमेंट, जितना भी डॉक्यूमेंट होगा वो ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि जीरोक्स आप करा के लाए हो या फिर ऐसा कुछ, वो होना चाहिए, सारा ओरिजिनल होना चाहिए। अटेस्टेड फोटोकॉपी, मतलब वही फोटोकॉपी ही होता है, ऐसे आप लोग एक बार इसके बारे में अगर आप लोग को प्रॉब्लम लगे तो किसी जानकार आदमी से पता कर लेना। अटेस्टेड फोटोकॉपीज इन सपोर्ट ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, और आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मतलब हर किसी के पास होता ही है। आप नॉर्मल किसी स्कूल में भी जाते हो एडमिशन कराने तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगता है, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एजुकेशनल अदर क्वालिफिकेशन ऑन द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोग्राम, जो भी आप प्रोग्राम ये सब में जिस दिन एडमिशन लिए हो तो जो उसका डॉक्यूमेंट मिला है वो होना चाहिए, और रिस्पेक्टिव स्कूल वहीं सब। और इन एब्सेंस एवर मेंशन डॉक्यूमेंट यू विल नॉट बी परमिटेड टू रजिस्टर फॉर द प्रोग्राम। अगर आपके पास इन डॉक्यूमेंट में से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं होता है तो आप इसमें परमिटेड नहीं हो कि आपका इस मतलब प्रोग्राम में आपका एडमिशन होगा, ठीक है। और बात करते हैं कि जब मैं, आप झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं ये डॉक्यूमेंट लाने गया था तो मैं अपने काउंसलर से पूछा था कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लगा गया, तो उन्होंने ये बताया था और ये भी बताया था कि जो आप पेरेंट्स के साथ आओगे आपको पेरेंट्स के साथ आना पड़ेगा, अगर पेरेंट्स के साथ नहीं भी आओगे तो आपको उनका आधार कार्ड लेके आना पड़ेगा, या तो फादर का या फिर मदर का आधार कार्ड लेके आना पड़ेगा, पैन कार्ड लेके आना पड़ेगा। शायद आपको ये ताजुब लगेगा कि नंबर ही दिखा देंगे, फोटोकॉपी ही दिखा देंगे। मैंने ये पूछा था, आप लोग को यहाँ पे रिकॉर्डिंग सुन लीजिए थोड़ा सा, लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा, नहीं पहले अभी ही सुन लीजिए। पापा को भी आना पड़ेगा, सिग्नेचर्स होंगे यहाँ पे, बहुत सारे इनविटेशन होंगे। तो सर पापा चाहिए कि गार्जियन, मतलब वो भी कर सकते हैं। गार्जियन को लेके आओगे तो आधार कार्ड तो फिर भी पापा का ही लगेगा, पता नहीं शायद आप लोग को ऑडियो क्लियर मिला कि नहीं मिला, मैंने उसको रिकॉर्ड किया था, उन्होंने कहा था, मुझे भी ऐसा ही लगा था कि पेरेंट्स का आधार कार्ड और ये पैन कार्ड क्यों लगेगा, लेकिन ओरिजिनल नंबर नहीं, उन्होंने बोला था कि ओरिजिनल हम चेक करेंगे, पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। तो ये तो हो गया कि हमारा क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से हो रहा है, इस चीज को मैंने बता दिया। तो अब इस आगे वीडियो में जानते हैं कि लोन क्यों कब जमा करना है। आप लोग को स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा वैसे कि लिखा हुआ है कि नोट में, जो लोग लोन से पढ़ रहे हैं उनके लोन लेटर पे ऐसा एक लिखा हुआ होगा, मैं ऐड कर दिया हूँ, आप जैसा कि पढ़ रहे हैं कि नोट में लिखा है कि आपका जो फी है, फी विल सबमिटेड आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपका जो फी है वो सबमिट होगा, यहाँ पे ऐसा लिखा है। बट मैंने काउंसलर से बात किया, उन्होंने कहा कि नहीं, वो देखो क्या है, जो लोग लोन से पढ़ रहे हैं वो लोन करा लिए होंगे तो उनके लिए अभी अच्छा है, वो क्लास स्टार्ट होने से पहले ही जमा करना है। तो अगर आप लोन कराए होंगे तो आपको एक प्रूफ मिला होगा कि प्रूफ आपका लोन हो गया है, तो जो आपको बैंक में प्रूफ मिला था कि आपका लोन हो गया वो आप यहाँ पे दिखा दोगे, तो कॉलेज वाले जो है वो बैंक को भेजेंगे तो बैंक आपको, जो आप लोग लोन पे पढ़ रहे हैं तो वो लोन सबमिट करेगा। तो इस तरीके का होगा, ऐसा नहीं है नोट में यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा लिखा है कि जो लोग मतलब कि आपको फीस
सब जमा करना है फर्स्ट सेमेस्टर के बाद होगा, ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं होने वाला है, वो गलत लिखा हुआ है वहाँ। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि आपको जो फी है वो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सबमिट करना है, तो ऐसा नहीं है, वो गलत लिखा हुआ है कि आपको जो फी है वो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सबमिट करना है। तो हाँ, तो गाइस जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने सारा कुछ कवर कर लिया कि हमारा क्लासेस कब से स्टार्ट हो रहा है और फी कब सबमिट करना है, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल, ये सब। हॉस्टल पे एक्चुअली मैं प्राइवेट हॉस्टल का अपना वीडियो बना दिया हूँ, और जिनको हॉस्टल लेना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करो यार, कमेंट मत किया करो, कुछ प्राइवेसी नाम का भी चीज होता है, तो ठीक है बाद में पता चल ही जाएगा कि मैं किस हॉस्टल में रहता हूँ, क्या रहता हूँ। बट अगर आप लोगों को हॉस्टल चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आप अभी बुक भी कर सकते हो क्योंकि पास में हमारा हॉस्टल है, सीट फुल हो जाएगा तो फिर पता नहीं मिलेगा कि नहीं। दूसरा, आप लोग मेरा रूम टूर भी देखे हो तो हॉस्टल के क्वेरी के लिए आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे। फिलहाल से चलते हैं, अभी जल्दी से फैन ऑन करते हैं क्योंकि बहुत गर्मी लग रहा है और फैन ऑफ है क्योंकि फैन ऑन करके बताते हैं तो बहुत ही नॉइज आता है। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा यार, वीडियो को स्किप कर करके मत देखा करो। मैं अपना एनालिटिक्स में देखता हूँ तो लोग जो क्या है कि वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन 2 मिनट का ही होता है 10 मिनट का ब्लॉग में, तो ऐसा मत कीजिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोग को इंपॉर्टेंट ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे, और कॉलेज होगा तो वो तो आपको घुमाएंगे ही, क्लासेस हमारा कुछ कवर करेंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।